हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद काजल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे राइट्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में। ठीक है, मतलब अगर सपोज कोई पार्टनर्स हैं ए बी और सी जो किसी बिजनेस को चला रहे हैं जिसका नाम है एक्स वाई जेड लिमिटेड, तो इस बिजनेस में उनके क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या अधिकार हैं, ठीक है, इस बिजनेस से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पॉइंट राइट्स ऑफ पार्टनर्स में। फर्स्ट पॉइंट है एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मीन्स हो गया कि हर एक पार्टनर को ये राइट है कि बिजनेस का जो मैनेजमेंट है वो उसे संभाले। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ सी जो है सारे बिजनेस के जितने भी काम हैं उनको देख रहा है, बाकी ए और बी नहीं देख सकते, ऐसा नहीं है। इन ए और बी दोनों को या तीनों को ये अधिकार है कि वो बिजनेस में जितने भी काम हैं उन सभी को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। अब देखिए इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ कि हर एक पार्टनर को ये राइट है कि उससे सारी बात पूछी जानी चाहिए, बताई जानी चाहिए। अगर कोई भी काम, सपोज सी ने कुछ डिसीजन लिया या बी ने डिसाइड किया कि भाई ये ट्रांजेक्शन होना है या ये काम होना है, तो ऐसा नहीं है कि ये अकेला उस काम को कर सकता है। उसे पहले ए और सी दोनों से परमिशन लेनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा या कह सकते हैं बताना पड़ेगा। जब ये तीनों उस काम को करने के लिए एग्री होंगे तभी हम उस काम को करेंगे। हो सकता है ये बी ने डिसाइड किया कि हाँ मैं कोई मशीनरी परचेज करना चाहता हूँ, तो ये तीनों की सहमति से वो काम किया जाएगा। ठीक है, मतलब कल इसमें लिखा हुआ राइट एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू बी कंसल्टेड, मतलब सबसे पूछा जाना चाहिए अगर कोई काम हो रहा है तो। ठीक, नाउ द थर्ड पॉइंट इज एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। हर एक पार्टनर को ये राइट होता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करे। इंस्पेक्ट मीन्स जांच पड़ताल कर सकता है कभी भी किसी भी टाइम पे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, जो भी चीज़ें बनती हैं आपकी अकाउंटिंग में, लेजर अकाउंट्स हैं, तो उन सभी को कोई भी पार्टनर कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता है, साथ ही उनकी कॉपी भी अपने पास रख सकता है। ठीक, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेज विद अदर्स इन द एग्रीड रेशियो। सारे पार्टनर्स को ये राइट है कि वो जो भी प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में वो उसे शेयर करें, या जो भी लॉस हुआ है तो वो तो करना ही पड़ेगा और प्रॉफिट भी शेयर करना पड़ेगा। ठीक, तो सारे पार्टनर्स को ये राइट है कि वो प्रॉफिट और लॉसेज दोनों शेयर करें आपस में। ठीक, नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज इफ अ पार्टनर हैज एडवांस्ड लोन ही हैज द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट देयर ऑन एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले हम यहाँ समझ लेते हैं आधा पॉइंट। ये फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है कि अगर किसी पार्टनर ने अपने बिजनेस में लोन दिया है, ठीक है, तो उस लोन पे उसे इंटरेस्ट भी मिलनी चाहिए। जो भी हमने पार्टनरशिप डीड में या एग्रीमेंट में लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसे इंटरेस्ट दी जानी चाहिए जो भी उसने लोन दिया है बिजनेस में। ठीक, नाउ लेकिन इसमें ये दे रखा है इस फिफ्थ पॉइंट में, इन केस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट प्रोवाइडेड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, दैट इज 6% पर एनम। अगर सपोज कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है नहीं लिखी है हमने एग्रीमेंट में, जब इन तीनों ने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो ये नहीं बताया कि अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस में लोन देता है तो उस पर हम कितनी उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, तो उस केस में क्या होता है कि बाद में झगड़ा ना हो, इसीलिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत 6% पर एनम उसको इंटरेस्ट दी जाएगी। ठीक, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इन केस ऑफ एन इमरजेंसी अ पार्टनर हैज़ द राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट एंड बी इंडेमनिफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। सिक्स्थ पॉइंट ये कहता है कि अगर सपोज कोई भी पार्टनर है जिसे किसी भी इमरजेंसी आ पड़ी, उसे कोई भी पार्टनर है जिसने कोई डिसीजन ले लिया, जल्दीबाजी में उसने कोई डिसीजन ले लिया, सपोज के बी और सी बाहर गए हुए हैं किसी काम से और ए को जो है बिजनेस संभालना पड़ा और उसे कोई डिसीजन लेना पड़ा, तो वो ले सकता है और साथ में जो भी उसने खर्चा किया है उस डिसीजन को लिया इमरजेंसी में उसे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ कि बिजनेस में किसी स्टोर में सपोज आग लग गई तो उसको जल्दी में फायर एक्सटिंग्यूशर्स और उनका यूज़ करना पड़ा या फायर फाइटर्स को बुलाना पड़ा, उसके लिए जो भी उसने खर्चा दिया होगा, तो बाद में इसको ये अधिकार है कि वो बी और सी में उस खर्चे को
शेयर कर दें। ठीक, ए बी सी तीनों मिलकर के उस शेयर उस खर्चे को शेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि ए ने इनके पीछे से खर्चा कर दिया तो अब बी और सी नहीं देंगे, नहीं, उनको भी उस खर्चे को जो है करना पड़ेगा, उन खर्चे को जो है शेयर करना पड़ेगा। ठीक, नाउ द सेवेंथ पॉइंट इज अ पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सारे पार्टनर्स को ये राइट होता है कि वो किसी नए पार्टनर को आने देंगे या नहीं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि बी और सी चाहते हैं कि हाँ भाई डी पार्टनर है, डी एक और है कोई बंदा, उसको हम बिजनेस में बी और सी जो है लाना चाहते हैं, लेकिन अगर ए ने मना कर दिया तो ये डी जो है एंटर नहीं होगा बिजनेस में। इसी तरीके से अगर ए और बी चाहते हैं सपोज़ कि हम डी को रखें लेकिन सी ने मना कर दिया तो भी डी की एंट्री नहीं होगी इस बिजनेस में। ठीक है, तो मतलब सारे पार्टनर्स को ये राइट होता है कि वो किस दूसरे व्यक्ति को एंटर करेंगे या नहीं करेंगे, वो डिसाइड कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। ठीक है, अब सपोज इसमें ये ले लेते हैं कि जो है अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है इस बिजनेस फर्म से, सपोज बी रिटायर होना चाहता है एक्स वाई जेड लिमिटेड से, ठीक है, तो वो उसको ये राइट है कि वो रिटायर हो सकता है, बस उसको क्या करना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा, रिटायर होने से पहले उसे बताना पड़ेगा ए और सी को कि हाँ भाई मैं ये जो बिजनेस है इससे रिटायर हो रहा हूँ। ठीक है, नाउ द लास्ट पॉइंट इज इफ अ पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस ऑन द बिजनेस और ही पेज अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, दैट पार्टनर गेट्स इंडेमनिफाइड फॉर द पेमेंट्स मेड बाय हिम फ्रॉम द फर्म। देखिए ये जो नाइन्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो जो अभी मैंने आपको जो है सिक्स्थ पॉइंट जो बताया है ना, उसका बिल्कुल सेम है। अगर कोई भी पार्टनर कोई भी खर्चा करता है बिजनेस के लिए, ठीक है, तो उसको ये पूरा राइट है, अधिकार है कि जब उसने कोई अकेला खर्चा किया है तो वो सारे पार्टनर्स में उसे शेयर करे। ठीक है, तो ये थे राइट्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसको आपको बताने की, समझाने की। और अगर कोई भी आपका प्रॉब्लम है या कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस चैप्टर और दिस टॉपिक। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू ऑल लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट लाइक बटन and subscribe to my channel if you are new to this channel and please share भी कर दीजिए और comment section में बताइए कैसा रहा आज का ये video। Thanks for watching।